नमस्कार दोस्तों, रावण स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो आज इन्वेस्ट करो कल आराम करो कंसेप्ट के साथ वीडियो को स्टार्ट करते दोस्तों। इस वीडियो में देखने वाले राकेश झुंझुनवाला को राकेश झुंझुनवाला बनाने वाले कंपनी के बारे यानी कि टाइटन के बारे में। तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आप लोगों को पता रहेगा जो आरजे है ये स्टॉक के चलते बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। इसकी वजह से आप लोगों को पता रहेगा राकेश झुंझुनवाला स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अच्छे रिटर्न बनाने वाले एक बहुत ही बड़े यहाँ पे पर्सन हुए थे। तो आज के दिन में यहाँ पे टाइटन के लिए बहुत ही शानदार खबर सामने आ रही है। तो बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है, आगे जाके जो टाइटन है उनके शेयर होल्डर के लिए इसका जो फायदा बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। जैसे कि जो टाइटन की जो लॉन्ग टर्म के रिटर्न है आप लोग देख सकते हैं लगभग 57,000% से ज़्यादा जोरदार रिटर्न दे। मतलब सोच सकते जिसने भी टाइटन में कभी भी पैसा लगा रहेगा वो अभी तक मालामाल हुए। जैसे कि देखिए स्टॉक मार्केट में अप डाउन तो चलते रहते, यहाँ पे भी स्टॉक गिरा था, यहाँ पे भी गिरा था, यहाँ पे भी गिरा है। तो ऐसे ऊपर नीचे स्टॉक होते रहते, आपको क्या करना है सिर्फ क्वालिटी स्टॉक पकड़ना है और आने वाले समय में क्वार्टर टू क्वार्टर जो रिजल्ट आते वहाँ पे ट्रैक रखना है। अगर बहुत ही अच्छा आ रहे तो थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी मोड में पैसा लगा के यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते। तो इस वीडियो में देखने वाले ऐसे कौन से पे टाइटन के पॉजिटिव पॉइंट्स है जो आगे जाके वापस से आपको बहुत ही तगड़े और शानदार रिटर्न बना के दे सकते हैं, और कौन सी शानदार न्यूज है जो आगे जाके कंपनी और शेयर होल्डर के दिन बदल सकते हैं। तो न्यूज पूरे कवर करने वाले, उससे पहले बिग डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई भी स्टॉक लेते तो खुद का स्टडी जरूर कीजिए। जैसे कि अगर आप कोई भी कंपनी का स्टॉक ले रहे हैं तो स्टॉक का प्राइस और स्टॉक का नाम कभी मैटर नहीं करता, मैटर करता है कंपनी का बिजनेस क्या है। अगर कंपनी के बिजनेस में दम रहेगा तो 101% जो स्टॉक है आगे जाके मल्टीबैगर बनता है। तो जैसे कि जो टाइटन कंपनी है, यहाँ पे आप लोगों को पता रहेगा टाटा ग्रुप की कंपनी है, बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी है, ऊपर से 1984 में स्टार्ट हुई थी, मतलब लगभग 40 साल पुरानी कंपनी, बहुत ही अच्छा साइन है। आप यहाँ पे आके बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को पता रहेगा इनके जो मेन ब्रांड्स है जैसे कि फास्ट ट्रैक है, तनिष्क है, सोनाटा है, जो भी टाइटन के बड़े बड़े ब्रांड है बहुत ही अच्छे। और आप लोगों को पता रहेगा इंडिया बहुत ही बड़ी कंट्री है और यहाँ पे यंग जनरेशन बहुत ही ज़्यादा है। तो इसके वजह से क्या होता है, ऐसे जो ब्रांड रहते हैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्ट करते यंग जनरेशन को, और आने वाले समय में यहाँ पे टाइटन के और भी दिन बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 150 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। तो बहुत ही अच्छा साइन है अगर कोई कंट्री की यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहते तो यहाँ पे बिजनेस करने के लिए बहुत ही आसानी होते। फॉर द एग्जांपल 150 करोड़ में से लोगों से सिर्फ यहाँ पे 40% रहते लोगों ने भी टाइटन के यहाँ पे ब्रांड खरीदे। तो आप लोग सोच सकते कितना बड़ा फायदा होता होगा इस कंपनी को। ये तो क्या कंपनी के बिजनेस के बारे में, तो एग्जैक्टली ब्रेकिंग न्यूज़ क्या देख लेते हैं अभी। तो जैसे कि जो टाइटन है यहाँ पे इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, उनके बहुत सारे स्टोर भी अवेलेबल है, लेकिन जो टाइटन है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने जा रहे हैं। जो टाइटन है यहाँ पे मिडल ईस्ट और जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पे अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का यहाँ पे विचार कर रहे हैं। तो आगे भी आप लोग सोच सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा यहाँ पे धमाका हो सकता है टाइटन कंपनी में। जैसे कि जो लगभग 20 से 25 जो तनिष्क के स्टोर है यहाँ पे अमेरिका में स्टार्ट करने वाले, तो मतलब सोच सकते कितनी बढ़िया न्यूज़ है। आने वाले 3 से 4 साल में ये धमाका हो सकता है, ऐसे जो उनके एमडी टाइटन के जो एमडी उन्होंने कहा है। आगे भी न्यूज़ को पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे आप लोगों को पता रहेगा कोविड के बाद 2020 के बाद जो बहुत सारे बिजनेस के यहाँ पे धज्जे उड़ चुके थे, तो कोविड के बाद पूरे रिस्ट्रिक्शन हटने के बाद यहाँ पे आप लोगों को पता रहेगा ओकेजन स्टार्ट हुए। तो आने वाले समय में दिवाली है, गणपति है, उसके बाद दशहरा है, जो क्रिसमस है, बड़े बड़े यहाँ पे त्यौहार आने वाले इंडिया में, जो सीधा फायदा है यहाँ पे टाइटन को होने वाला है, क्योंकि इनका जो रेवेन्यू है लगभग यहाँ पे 15 से 20% बढ़ने के चांसेस है, जो सेल्स रहता है जो बेचने का। तो बहुत ही शानदार खबर है। तो आने वाले समय में टाइटन में बने रह सकते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट है ऊपर नीचे होता रहता है, तो आपको कभी भी स्टॉक अगर गिरता है तो घबरा के कभी भी स्टॉक बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो टाइटन का बिजनेस बहुत ही शानदार है और यहाँ पर बहुत ही फंडामेंटली मजबूत कंपनी है। जैसे कि जो टाइटन के पिछले 3 साल का नेट प्रॉफिट चेक कर सकते हैं, 2020 में 1500 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, 2021 में लगभग 877 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ, 2022 में लगभग 2180 का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। मतलब जो नेट प्रॉफिट है दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है, कोविड हो कुछ भी हो इनको फायदा हुआ ही हुआ है, ऐसा नहीं कि कोविड के टाइम पे इनको लॉस हुआ था। बहुत ही बड़ी कंपनी है और आने वाले समय यहाँ पे अपने शेयर होल्डर को वापस से छप्पर फाड़ के रिटर्न देने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है।
तो वीडियो के अंत में इसमें इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए, देखिए देखा जाए तो टाइटन कंपनी एक लार्ज कैप टाइप की कंपनी है, तो ऐसे स्टॉक में यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फॉर द एग्जांपल आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 60% जो अमाउंट रहता है यहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक में लगाना चाहिए। देखिए एक ही स्टॉक में कभी भी पैसा नहीं लगाना चाहिए, अलग अलग कंपनी के अलग अलग मार्केट लीडर पकड़े, उसमें थोड़ा थोड़ा करके SIP मोड में पैसा लगा सकते हैं। जो दूसरा जो रहता है मिड कैप में 20%, स्मॉल कैप में 15%, अगर कुछ पैसा बचता है और रिस्क लेने के लिए पसंद करते तो यहाँ पे पेनी स्टॉक में 5% लगा के देख सकते हैं। कभी भी स्टॉक मार्केट में पेनी स्टॉक के चक्कर में यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट नहीं लगाना है, अगर आप लगा रहे तो आपको आगे जाके यहाँ पे नुकसान हो सकता है। एक बार पेनी स्टॉक से फायदा होगा, दो बार पेनी स्टॉक से फायदा होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि पूरा का पूरा जो आपका कैपिटल है पेनी स्टॉक खा जाएंगे। कभी भी लालच के चक्कर में पेनी स्टॉक में ज़्यादा अमाउंट नहीं मत लगाए, अगर लगा रहे होंगे तो थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। लार्ज कैप में जाए रातों की नींद आराम से आएगी और रिटर्न भी यहाँ पे डिसेंट बनेंगे, 15 से 20% के रिटर्न यहाँ पे बन जाते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि 1 या 2 साल में यहाँ पे रिटर्न बनेंगे, कभी कभी आपको घाटा भी हो सकता है लार्ज कैप से, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे होल्ड करते 5 से 10 साल के, तो यहाँ पे 101% यहाँ पे लार्ज कैप से पैसा बनता है। खुद का स्टडी और एनालिसिस जरूर कीजिए, उसके बाद बाय सेल और होल्ड का डिसीजन ले सकते हैं। ये तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं।